साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप अगर उद्योग सेवा व्यवसाय कुछ भी सेक्टर को अपनाते हैं, काम करते हैं और शासकीय योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे नए युवा साथी जो योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक वो प्रोजेक्ट बनाए हुए नहीं हैं, उनको अनुभव नहीं होता है। तो किसी अनुभवी संस्था या व्यक्ति द्वारा अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवाते हैं। उन संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो मैं आज आपको इन समस्याओं का समाधान देने वाला हूं। फ्री में आप 8 सेक्टर के करीब 137 प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्री में प्राप्त करेंगे, वो भी वेबसाइट के माध्यम से। तो चलिए आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताता हूं कि आप कैसे फ्री में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। www.dcmsme.gov.in को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि मेनू बार आपको दिखाई देगा। इस मेनू बार को आपको क्लिक करना है। मेनू बार क्लिक करने के बाद सबसे नीचे से ऊपर नंबर, दूसरे नंबर पर आप देखिए कि मीडिया एंड प्रेस लिखा हुआ है। मीडिया एंड प्रेस को, पेज को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप मीडिया एंड प्रेस पेज को ओपन करते हैं तो आप ध्यान से देखें कि पब्लिकेशन, सबसे नीचे पब्लिकेशन लिखा हुआ है। पब्लिकेशन पेज को आपको फिर क्लिक करके ओपन करना है। के पेज खोलते ही मीडिया एंड प्रेस पब्लिकेशन लिखा हुआ है। इसके 7वें नंबर पर आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल लिखा हुआ दिखाई देगा। इसको आपको ओपन कर देना है। क्लिक करेंगे ओपन होगा। ओपन करने के बाद आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्लिक हियर, यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, यहां पर आपको 8 अलग अलग सेक्टर के लगभग 137 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलने वाले हैं, जिसमें हम बात करते हैं नंबर एक आपका मैकेनिकल प्रोडक्ट से संबंधित आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, इसमें लगभग 32 प्रोजेक्ट हैं। नंबर दूसरे में मैं बात कर रहा हूं आपके मेट्रोलॉजी से संबंधित प्रोडक्ट पर, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको दूसरे नंबर पर मिल जाएगा। नंबर तीसरे की हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर पर आपको होजरी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, होजरी से संबंधित अगर आप काम करना चाह रहे हैं। इसमें 5 तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट सम्मिलित हैं। नंबर चौथे की हम बात करते हैं कि आपको फूड प्रोडक्ट से संबंधित प्रोजेक्ट मिलेगा, इसके अंदर आपको 13 प्रकार के प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5वें का। 5वें नंबर पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से संबंधित आपको मिलेगा, इसमें लगभग 22 प्रकार के प्रोजेक्ट रिपोर्ट सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 6वें का, ये है आपका मैकेनिकल प्रोडक्ट से संबंधित। मैकेनिकल प्रोडक्ट से संबंधित आपको लगभग 11 प्रकार के प्रोजेक्ट। नंबर 7वें का ग्लास सिरेमिक से संबंधित आपका प्रोजेक्ट होगा, इसमें लगभग 19 प्रकार के प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिलेंगे। अब अंतिम और लास्ट है आपका लेदर प्रोडक्ट से संबंधित, इसमें आपको लगभग 13 प्रकार के प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेंगे। अब साथियों मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको मैकेनिकल प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप किसी 8 में से जो आपको अच्छा लगे उसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा
कि आपको अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाई देंगे। ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम हैं और यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि आप कैसे और किस तरह से डाउनलोड करते हैं। मान लीजिए हम 25 नंबर को, जिसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑन मॉस्किटो क्वाइल स्टैंड, इसको हम जो है तो डाउनलोड करना चाहते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे पीडीएफ बना हुआ है, यहाँ आप आसानी से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में आप निकाल लीजिए। सबसे अच्छी बात ये है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसके आधार पर आप अपने स्थान पे सर्वे करने के बाद मार्केट रिसर्च के आधार पर अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे विधिवत जानकारी आपको मिल। साथियों, ये है आपका लगभग 137 प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।